रसमलाई बना रहे हैं। तो आज अपना भौजी को खिलाएंगे रसमलाई गर्मा गर्म। बिल्लू भी बैठी गई खा के बोर हो जाती है, उसको भी चावल दाल खिला दिया। तो देखिए ये पसीना ना कोच देंगे ना तो 2 किलो पसीना निकल जाएगा। बरसात का सीजन है तो इसमें सीजन आ गया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ झोरिया बोरिया लेके जा रही हूँ। तो इसको मैं सुखाई थी परसों से सुखा रही हूँ, आज ये जाके कंप्लीट सूख गया है। अब इसको रख देंगे, पता है क्यों सुखाई थी बता। रुकिए इसको रख दे भारी, इसको बांध के रखना पड़ेगा लक्की। इसको अभी रख देती है यहीं पे, गिर जाएगा। मम्मी नीचे रख दो ना एक तरफ, नहीं गिरेगा। तो दोस्तों इसको ना बांध के रखूंगी। ये मैं बहुत दूर दूर से चटाइयाँ खरीद के लेके आई हूँ। पता है क्या हुआ, बरसात का सीजन है तो इसमें सीलन आ गया था। अभी हथिया कौन कौन सा स्वाति पता नहीं क्या क्या चीज़ है, वो जो बरस रहा है ना तो सामान खराब हो रही है। ये मड़ई में ये क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली है क्या चीज, इसको क्या बोलते हैं, क्या चीज समझे, नेचुरल चीजों को क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली। हाँ इको फ्रेंडली ये जो मड़ई है ना हमारा, इसमें ना चीजें खराब बहुत जल्दी होती हैं। वही थोड़ा सा देखिए दोस्तों, बोलने में दिक्कत हो जाता है तो घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सीखना जिंदगी का नाम है। मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना विला दिखाने वाली हूँ। देखिए विला का ये जो थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, पूरा टूर कराने के लिए तो समय चाहिए और आपको करवा दूंगी, ठीक है। अभी दिखाती हूँ लाला जी क्या कर रहे हैं। ये भाई क्या मस्त मस्त सब्जियां लेके आए, खूब खूब फूल खिल बना जी, तो देख रहे हैं मस्त मस्त सब्जियां लेके आए हैं खेतों से। नहीं लाला जी खेतों में गए थे और लेके आए हैं, बाकी इतना गर्मी है कि मैं क्या बताऊं आपको। दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आए हैं, सब्जी तो आप देखे ही क्या क्या लाए हैं। ये देखिए कितना सारा घेवड़ा तोड़े हैं, ये घेवड़ा हम लोग बोलते हैं गांव में। हमारा छोटा बेटा, गुड मॉर्निंग बोलो दोस्तों को। नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग बोले है ना, गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे बोलो। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा बोलो। जय श्री कृष्णा दोस्तों। और कुछ? हाँ जय हनुमान जी की। जय हनुमान जी की। जय सीता जी की। जय सारे भगवानों की। और बोलो राम जी की जय। जय सारे भगवानों की बोल तो दिया। अलग अलग भगवान अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। सारे 33 कोटि देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। ठीक है अब ये मैं जादूगर बन गई थी दोस्तों, ये कि क्या बताएं। तो साड़ी पहनी हूँ आज, और क्यों साड़ी पहनी हूँ आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये पसीना ना पोछ देंगे ना तो 2 किलो पसीना निकल जाएगा। तो अभी हम लोगों को खाना बनाना है, तो हम और लाला जी मिलकर खाना बनाएंगे और उसके बाद फिर खाएंगे। चलते हैं खाना बनाने, और कुछ समय मिला कुछ मौका मिला तो जरूर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आज सुबह से बना रही हूँ खाना, आज लाला जी को एक भी काम नहीं करने दी हूँ। 9 रतन सब्जी बना है, और भिंडी की भुजिया, तोरी वाला दाल, और मैं क्या बोलूँ पापड़ और दही, इतना सारा चीज़ बना के लाला जी को आज खुश करने वाली हूँ। और आप लोग बोलते हो ना कि लाला जी से बहुत काम करवाती हूँ, तो आज उनको कुछ भी काम नहीं करने दी हूँ, पूछ लीजिए खुद ही। कुछ किए हैं जी? कुछ नहीं किए हैं ना, कुछ नहीं किए हैं। तब खाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसा मैं टेस्ट बनाई हूँ। नवरत्न सब्जी देखिए अभी चूल्हे पे ही है, इतना मस्त बनता है ना, इसमें सब्जियों का वैरायटी पूछिए मत दोस्तों, एकदम गजब। पूरा फुल रेसिपी देखने के लिए लाला जी के ढाबा पे जाएगा वीडियो। मैं वीडियो शूट की हूँ, ठीक है, क्रेडिट हम लेते हैं। अब अभी देखिए भुट्टा पकाने वाले हैं, ये भी बोल रहे हैं भुट्टा पका दो, तो भुट्टा पकाने वाली हूँ। वैसे रहेंगे, आज का पूरा खाना मैं बनाई हूँ, आज पापा एक भी काम नहीं किए हैं। अच्छा। कोई हमारे दोस्त बोले ना कि मैं काम नहीं करती हूँ। अच्छा अच्छा, पूछ ले पापा से खुद। सच में हुआ क्या हो भाई साहब? बोलो क्या लिखी। सही बात है। यहाँ खाने में है आज देखिए पूरा दाल चावल पापड़ नवरत्न की सब्जी भुजिया सैलेड खूब सारी दही। ये कौन सा नवरत्न की सब्जी? यही तो है नवरत्न सब्जी है भाई, 9 सब्जियों से मिला हुआ है।
सब्जी तो 12 है लेकिन 9 ही काउंट अच्छा 9 ही काउंट किया है। तो यहां आप मैं सारा खा गया हूं सब्जी। चलो भाई मैं भी खाती हूं भाई, मजा आएगा। रोटा भी है साथ में। ये क्या ही चल रहा है, दिखाओ चूल्हे में देखो। अच्छा ऐसा भुट्टा तुम नहीं खाई होगी दिल्ली में, कभी नहीं खाई होगी ऐसा भुट्टा। ये रहा भुट्टा भाई, और यहाँ पे है ये जो छत पे हो गए थे वही है ना मम्मी। यहाँ पे नवरत्न सब्जी पक रही है, पक गई है गर्म हो रही है हमारे लिए, हम खा लेते हैं। ललित भी आ गया, कौन पागल है, मैं भात ले लिया अभी। और इधर हम सब लोगों ने खाना खा लिया है, पिल्लू भी पेडिग्री खा खा के बोर हो जाती है, उसको भी चावल दाल खिला दिया आज। हाँ पिल्लू किसका दवाई है। यहाँ पे नेक्स्ट शूट की तैयारी हो रही है, मम्मी क्या बनाओगे अब? रसमलाई बनेगी भाई। अब आप बना रही हो, पापा बना रहे हो? तो मेकअप वाले मेरे को। और यहाँ पे पापा अपना कुर्ता चेंज करेंगे क्योंकि बर्तन वर्तन देव अंजलि धो रही है, मम्मी रेसिपीज देख रही हैं कौन कौन सी रेसिपी चाहिए। अंजी भाई कितने देर में बर्तन धुल जाएंगे? 10 मिनट में बर्तन धुल जाएंगे भाई। और यहाँ पर मम्मी रेसिपी देख रही हैं दिवाली वाली के लिए, और मैं भाई शूट के लिए रेडी हो रखा हूँ, तभी शूट है, इसके बाद भी एक शूट होगा। मंदिर नहीं लगाता दीदी दीदी के कोहरा तुर ले गई और वीडियो खातिर रख ले रही बेटा के ब्याह करी करे ब्याह हुआ तो करबे करे। तो अच्छा टाइम पे दादी आई है, रस मलाई बना रहे थे लाला जी, अभी बोले ये कौन तकारी हो। दादी अच्छा लगा, कैसा लगता है? निमन लगता है। पापा ने यहाँ पे रसमलाई बनाई थी आज, वही कथी खा ले को कातना भाग से रहु आइल बने साची ही। हां आ रहु आशीर्वाद है फिरबा तारीख होय बन हां। केतरा अच्छा नया में केतरा सुंदर होखे मिया के ना सीता जी मिल गई अभी तो तभी पाउडर लगा के गोर हो गए बनी। दुनिया में गोर आदमी करिया आदमी गोर ना हो दीदी, इसलिए पाउडर लगावे ला इसनो पाउडर लगा के गोर भइल बानी दीदी। तो उधर सुंदर है कनिया बा सेम करिया रहनी ना दीदी, तो गोर रहनी। अच्छा दीदी हम करिया रहनी कि ना जरिया का गोर है दिया देखो कि एक मेरे पाउडर लगा ले रही, लेकिन पापा बताओ पापा काले थे गोरे थे भैया जी तब गइले रहनी ये तक अपने भाषा में बोल रही है सही जोड़ी है। हाँ बोले वो टाइम तो सब कोई ना कहत रहे हो सही जोड़ी बस, सब कोई कहत रहे छोड़ने छोड़ाने वाला बात आ गया था। अच्छा तो लड्डू बनल बा, लड्डू खाएं बैठी बा, लड्डू हम ना खाएं ना वो लड्डू ना आटा के लड्डू बनल बा, पुष्टई के काम करी रउआ एथी के करनी हो, नाती के करनी हो, चार गो लेते जाएं रउआ खाएं तो पुष्टई में बादाम उदाम डलाई नाती के करनी
बेटा नाती मर खुश खुशहाल रही हूं हां पोतो कोतनो सुंदर आई बु रही हूं हां तो ना बेटा नाती में ना लगी ना लगी ना लगी हां मैं सको ने घी बना लुटी रहला तो सुंदर है रहला हां हां अभी जानी ये बना तो लली में डाल दी तो देखिए इधर दादी आज पापा बफो मम लोग के लगने इधर दादी ना वीडियो देख रही है लाला जी की कनिया वाटाड़ा भी आई कनिया रे भैया तो मतलब इनको ना वीडियो देख के बड़ा मजा आ रहा है ना मतलब सब कुछ इनको ना आश्चर्य लग रहा है कि मतलब कैसे बना हां देख सामने कौन गलती कर रहा है हां तो दीदी आई एक बड़ा किस्मत से रसमलाई बना रहे हैं तो आज अपना भौजी को खिलाएंगे रसमलाई गर्मा गर्म तो मतलब हम तो रोज ही खाते हैं आप लोगों को तो पता ही है आज बड़ी दीदी किस्मत कभी कभी नहीं आती खेतों में आती है तो फिर चली जाती है घर तो इनको ठंडा ही मिलता है आज पहला दिन गरम गरम मिलेगा पानी में डुबा देना हाँ बता सनी हो गई दीदी का चोरी चोरी दिखा रही हूँ मैं मेरा दीदी को देख रहे है भाग गई है अब बोल रही है कि मैं उधर नहीं बैठूंगी बहुत अच्छा लगा मड़ई बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है हमारो अच्छा लगा लाला जी कल मतलब सजाऊंगी के गाछ तो चलते हैं खेत में इधर दीदी तोड़ रही है पत्ता इसी का चटनी बन जाए ना आ, दादी चटनी बनाएगी हाँ चटनी बनेगा इसका अरबी के पत्ता का वो अच्छी बनी रेकोच बनी रेकोच बन जाए हाँ रेकोचो बन जाए चटनी बन जाए अरे ताको लौकी एगो कोनो लौकी तो हाँ तो देखिए अभी ना बैगन खूब फल रहा है वही दीदी बता रही है कि बैगन खूब फल रहता है देख रहे हैं नीमन फरल बा तो काफी दिनों के बाद मैं खेत में जा रही हूँ आज आपको दिखा देती हूँ खेत का दृश्य दीदी भी जा रही है यो जा रही है इधर नहीं केहू के खेत में टीगे टगे नहीं खेत देते होने लगा रोनी है तो सोचला से केहू बावे है नहीं ऐसे हो कतला सी है धीरे धीरे साफ करते हैं हाँ स्टार्ट कर दिए हैं फूल तोड़ना मैं भी तोड़ूंगी मजा आता है कत्तूरे में ना एक सब्जी बहुत अच्छा बने ला ना झांगा जैसे ये देखिए कैसे दीदी तोड़ तोड़ के रखे जा रही है लेकिन देखिए वो घरिया कितना मुश्किल से ना फूल मिल हुए थे जीवतिया का टाइम हुआ में आई है घरिया फूल आई समय लागत रहे कि ना फूल आई का दू कैसे फूल तोड़ रही है इकट्ठा कर रही है डलिया में इतना सुंदर लग रहा है ये सनई का फूल है इसी को मैं बोल रही थी इसी में से ना सुतली मतलब इसको बहुत लंबा प्रोसेस है इसको इसका जो पेड़ है ना इसको पानी में सड़ाया जाता है कितना दिन सड़ाया 10-15 दिन दीदी 10-15 दिन सड़ाया जाता है उसके बाद इसको ऊंचे स्थान पे पीटा जाता है खूब पटक पटक के फिर इसमें से सोन निकलता है सोन निकलने के बाद इसका सुतली बहुत मेहनत से बनाया जाता है तोड़ लेती हूँ फूल फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना सारा हम लोग ताजा ताजा फूल तोड़ के तैयार कर लिए हैं बहुत बढ़िया देखने में लग रहा है खूबसूरत फूल तोड़ने में बड़ा मजा आता है देखिए बादल कितना अच्छा निकला हुआ है तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है फूल देखने में इसका दीदी सब्जी बनाएगी बोल रही है का देके बनाएं दीदी आलू आलू और मसाला का कच्चा दे दें वैसा ही हम बना के दिखाए हम एक दिन हल्दी हाँ धनिया हाँ जीरा गोल मिर्च हाँ सरसों हाँ लाल मिर्च अच्छा तो पहले अलिया के भूज के निकाल ले जाइए ना हाँ तनी अलिया भूज दिया ये करा बाद एकरा के ओमे डाल दी आ मसाला भूज दिया ना हाँ तो वही दीदी को बता रहे हैं कि काम बात है बॉम्बे से जो बुलावा आया है उसी के बता रहे हैं और दीदी बोल रही है कि भगवान कोरस की तू लोग पास हो जा लो तो बस तो वाले को आशीर्वाद से लोग होता सब के खुशी का बहुत हाँ के बेटा कुछ नहीं नौकरी लगे तो बहुत खुश रहती है हाँ दीदी बहुत खुश रहती है मतलब पूछी ना मेरे से लाला जी से तो लाला जी बता दिए हैं कि हमनी के दो जगह से पास हो गए बनी से भौजी तो बड़ा खुश हो रही है तो मतलब कहते नहीं है उसी को कहते हैं असली खुशी कहीं घर मैं जा रही हूँ अपने इधर घर देखिए पिल्लू क्या कर रही है दीदी के खेत में मजा कर रही है
तो अभी खेतों में ना सब्जियां लगभग खत्म ही है, थोड़ा बहुत जो है ये देख रहे हैं सब सूख गया है। अब ये तोरी का खेत था दीदी का, अब थोड़ा बहुत है लेकिन सब्जी के काम चल रहा है तब तक दीदी रखेगी, जरूरत पड़ता है तो हम भी लेते हैं इसमें से। अब चलते हैं घर पे, देखिए यहाँ से पेठा दिख रहा है, दो तीन पेठा फड़ा है, ज्यादा इस साल ज्यादा पेठा है ही नहीं, पेठा सूख भी गया। यहाँ पर मम्मी लकड़ियाँ सुखा रही हैं कल के लिए, कल के लिए कि जल्दी जले।